स्टूडेंट हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने मंगलवार को चेतना तिराहे से कलेक्टर परिसर तक मानव श्रृंखला बनाया और अपनी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में टेंट हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय खेमका ने बताया कि 22 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है, केंद्र सरकार ने सभी तरह के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ आवश्यक कार्यों को करने की अनुमति दे रही है। इसी तर्ज पर 21 सितंबर को एक गाइडलाइन जारी हो रहा है, जिसमें 100 लोगों को कार्यक्रम में बैठने की अनुमति दी गई है, लेकिन टेंट का कार्य और उस कार्य में से जुड़े लोग ही लगभग 100 से 200 हो जाएंगे, जिसको देखते हुए हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि 100 से संख्या को बढ़ाकर 400 किया जाए। सरकार की जो भी गाइडलाइन है इस पर जारी होगा, हम उस गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कार्यों को करेंगे, क्योंकि टेंट हाउस से इससे जुड़े कारोबारियों की संख्या पूरे भारतवर्ष में 15 करोड़ है। उन सभी कारोबारियों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घनश्याम जायसवाल व गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय खेमका ने कहा, ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि ये गाइडलाइन 21 तारीख से आ रही है, इसलिए हमारे समाज के टेंट व्यापारियों को कोई राहत, उस गैदरिंग में राहत नहीं मिल रही है। 100 लोगों की आ रही है, उसमें 100 से ऊपर तो हमारे कर्मचारी हो जाते हैं, टेंट लाइट टूर पैरा वेटर सबको मिला के, तो उससे हमारी छुट्टी नहीं होनी है। और सरकार, केंद्र सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगा उसके तहत, उसके अंडर में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अगर मेरे हाउस में 1000 लोगों की गैदरिंग की जगह है, हमें 300 से 400 की संख्या मिले, हम सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वो कार्य को संपन्न करेंगे। आप लोग कौन कौन मैरिज हाउस फ्लावर डेकोरेशन लाइट डेकोरेशन बैंड बाजा मैरिज हाउस से रिलेटेड जो भी काम मानव श्रृंखला बनाते हैं, आपके चौराहे से बिहार चौराहे तक एक मानव श्रृंखला बनाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, पालन करते हो जी जी सर, आप उसको चेक करा सकते हैं, कार्रवाई होती है, नहीं उसको चेक करा सकते हैं, चेक करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, मुख्यमंत्री इसको मैं दोनों भिजवा देता हूँ जी जी, आपसे पूरे प्रदेश में एक साथ एक सर्वे भी आप करा लें कि हम हमारी जो मांग है वो सही है या गलत, नहीं सही गलत नियमता हो जाए। घनश्याम जायसवाल बैंड एसोसिएशन के हम लोग कर्मचारी कह लीजिए,
भी सरकार से यही प्रार्थना है कि जैसे सब व्यवहार खुल गया है उस तरह हम लोग को भी आदेश है। हम लोग बैंड वाले हैं और लगन से रिलेटेड सबको एक उचित गाइडलाइन के तहत कार्य करने की अनुमति दी जाए प्रशासन शासन के द्वारा। हमारी हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार के पास एक मैसेज जाए, उसी के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये कार्य को सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे व्यवसाय खुल चुके हैं, हम लोग का व्यवसाय अभी तक प्रभावित है, पिछला सीज़न भी हम लोग का प्रभावित रहा और आगे का भी सीज़न प्रभावित होगा अगर सरकार किसी गाइडलाइन के तहत हम लोग को अनुमति नहीं देती है तो। हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, भूखों मरने लगेंगे। हर व्यवसाय में समझिए एक एक फर्म में कम से कम 20-20, 30-30, 40-40 लोगों का एक ग्रुप है जो सबके वहाँ कार्य करता है, सारे बेरोजगार हैं इस समय। सरकार से ही निम्र निवेदन है कि हम लोग की बात उन तक पहुँचे और हम लोग हमारे ध्यान दें। मानना ही होगा सर, हम लोग कहाँ जाएंगे या तो फिर सरकार हमारे लिए कुछ उचित व्यवस्था कराएं। हमारे बच्चे कहाँ से जिएंगे, हमारे कर्मचारियों के बच्चे कहाँ से जिएंगे, इसके बारे में सरकार सोचे। विजय कुमार खेमका, अध्यक्ष टेंट हाउस एसोसिएशन। आज जो है उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन के आह्वान पर गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन एवं उससे संबंधित सभी व्यवसाय के लोगों द्वारा एक मानव श्रृंखला बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक ज्ञापन दिया जाएगा माननीय जिलाधिकारी के द्वारा। लगभग लॉकडाउन 22 मार्च से लगभग 5.5 माह बीत जाने के बाद भी हम लोग के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई। हम लोग से संबंधित सभी व्यवसाय के लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। धीरे धीरे सब चीज़ खुल गई, मंडी चले जाइए तो लगता कोरोना ही नहीं है, फ्लाइट उड़ रही है उसके अंदर 160 से लेकर 250 लोग बैठ के जा रहे हैं, कोरोना नहीं हो रहा है। हम लोग के व्यवसाय से हम लोग के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं। आपकी जो गाइडलाइन होगी कोविड-19 के संबंध में उसके तहत हम लोग कार्य करेंगे और हमारे बड़े बड़े फील्ड हैं, बड़े बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े मेरेज हाउस हैं और हम लोग बड़े बड़े मैदानों में लगा के काम करते हैं। हमें 400 से 500 लोगों की अनुमति दी जाए, मांग नहीं मानी जाएगी। आगे हमारा प्रदेश नेतृत्व जो हमसे कहेगा वो हम करेंगे, आंदोलन करने कहेगा तो आंदोलन करेंगे।